A very very good morning, my dear students. How are you? Fine. Now see, today English. Understand? So see, my dear friends. In last period, na we have completed not only one or two page. We have completed lesson number 7. Festivals are fun. Okay. So now today we will see next part of this lesson. Understand? So see, first जो है वो हम लोग फिर से एक बार रीड करेंगे. हाँ, देन जो नेक्स्ट हमारा पार्ट बचा हुआ है, जो फेस्टिवल्स का हम देख रहे थे, वो जो हमारा पार्ट बचा हुआ है उसे हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो पहले हम रीड कर लेते हैं, देन हम लोग उसे अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो सी, पेज नंबर आप लोगों को निकालना है 42, पेज नंबर 42. अंडरस्टैंड? सो सी माई डियर फ्रेंड्स, लेसन नंबर 7, फेस्टिवल्स आर फन. ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये बहुत हम लोग इसमें मस्ती करते हैं, मजा करते हैं ना. सो लाइक दिस, फेस्टिवल्स आर फन. अंडरस्टैंड? सो सी, डोरा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग. डोरा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग. डोरा सेड, क्या बोल रही है फिर डोरा? डोरा और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे हैं, और डोरा क्या बोल रही है? डोरा सेड, आई विल गो होम एंड हेल्प मम्मी बेक अ केक. अभी मैं घर जा रही हूँ और मेरे मम्मी को मैं हेल्प कर रही हूँ केक बनाने के लिए. अंडरस्टैंड? इट इज़ अ स्पेशल केक. फिर ये केक कैसा है? ये स्पेशल केक है. कैसा केक है? ये स्पेशल केक है. ओके, देन आलिया सेड कि भाई व्हाई इज इट अ स्पेशल केक? ये स्पेशल केक क्यों है बताओ मुझे. हाँ, सो अभी डोरा क्या आंसर दे रही है? सी, डोरा सेड वी बेक इट फॉर क्रिसमस. हम जो है ये केक क्यों बना रहे हैं भाई? हम क्रिसमस के लिए केक को बना रहे हैं. किसके लिए बना रहे हैं? क्रिसमस के लिए हम लोग ये केक बना रहे हैं. क्रिसमस इज 25th of December. क्रिसमस इज ऑन 25th of December. क्रिसमस जो है ये कब आता है? 25th of December को क्रिसमस आता है. ओके, इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्रिसमस जो है वो किसका बर्थडे है फिर? क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? कि भाई जीसस क्राइस्ट नाम के जो महान थोर व्यक्ति थे, उनका जो बर्थडे है वो हम क्रिसमस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. ओके, द चिल्ड्रन थिंक ऑफ द केक एंड लिक देयर लिप्स. चिल्ड्रन ने क्या किया? फिर अभी बच्चे केक के बारे में सोच रहे हैं. आप लोगों को भी देखो, अभी केक का सब्जेक्ट निकला है, तो आप लोग भी आपके लिप्स को लिक करोगे ना. आप लोगों को अच्छा लगेगा ना केक का सुन के. अब हमारे मुंह को पानी आ जाता है कि वाह वाह, अच्छे अच्छे केक्स हमारे सामने आ जाते हैं. अंडरस्टैंड? सो ये जो हमारे स्टूडेंट्स, ये जो चिल्ड्रन हैं, डोरा के जो फ्रेंड्स हैं, वो सारों ने भी केक के बारे में सुना है और उनके लिप्स लिक के हो गए हैं, है ना. सो नाउ अभी डोरा क्या बोल रही है उन लोगों को देखो. यहाँ आप लोगों को दिखाया गया है, ये जो है ना, ये डोरा है. ओके, और ये क्या बोल रही है? कम होम टुमारो, आप लोगों को घर आना है मेरे टुमारो. हाँ, एंड वी विल हैव सम केक. फिर हम लोग केक खाएंगे, है ना. देन नेक्स्ट आलिया क्या बोल रही है? आई लव केक. मुझे भी केक बहुत पसंद है. मुझे भी केक बहुत पसंद है, ठीक है. देन नेक्स्ट फिर कौन बोल रहे हैं? अवासेड, ऑन अ रोज वी मेक अ स्पेशल केक, अ स्पेशल स्वीट. देखो अबा क्या बोल रही है? ऑन नवरोज वी मेक अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड रागो. नवरोज जो है वो, नवरोज पे हम लोग एक स्पेशल स्वीट बनाते हैं और उसका नाम है रागो. क्या है उसका नाम? रागो. अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट अनिक अभी क्या बोल रहा है? फिर अनिक बोल रहा है कि व्हाट इज नवरोज? ये नवरोज क्या है भाई? अबा तो बोल रही है कि हम नवरोज पे स्पेशल स्वीट डिश बना रहे हैं रावो, तो ये नवरोज क्या है? व्हाट इज नवरोज? देन अबा क्या बोल रही है देखो. फिर अबा सेड, नवरोज इज द पारसी न्यू ईयर. ये जो नवरोज है ना, ये पारसी न्यू ईयर है. क्या है? पारसी न्यू ईयर है. इट फॉल्स ऑन 21st of March. ये जो नवरोज है, 21st March के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सो पारसी न्यू ईयर कब है फिर? 21st of March को. और पारसी न्यू ईयर को ही हम लोग नवरोज बोलते हैं. अंडरस्टैंड?
Then next we decorate our house and have fun with friends. हम लोग जो है वो हमारे घर को डेकोरेट करते हैं नवरोज पे और मस्त मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, है ना? Then next, Jesse said, अभी जैसे क्या बोल रहे हैं, देखो फेस्टिवल्स आर सच फन. ये जो फेस्टिवल्स हैं ना भाई, ये सच में बहुत मस्त होते हैं. हम लोग मस्त मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, है ना? सो फेस्टिवल्स आर सच फन. अंडरस्टैंड? आई एंजॉय ऑल द फेस्टिवल्स विथ माई फैमिली. मैं जो हूँ, मैं सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करता हूँ मेरे फैमिली के साथ. किसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ मैं? मैं सारे फेस्टिवल्स मेरे फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ. ओके, देन वी गो टू द गुरुद्वारा ऑन गुरु नानक्स बर्थडे. वी गो टू द गुरुद्वारा ऑन गुरु नानक्स बर्थडे. हम जो है गुरुद्वारा जाते हैं गुरु नानक जी के बर्थडे के दिन. ओके, और इट इज कॉल्ड गुरुपुरब. फिर उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गुरुपुरब. कौन सा फेस्टिवल है वो? गुरुपुरब. कौन सा फेस्टिवल है डियर स्टूडेंट्स? गुरुपुरब. ओके, सो नाउ सी, फिर गुरुपुरब के दिन क्या होता है? गुरु नानक जी जो है, सिख गुरु जो है, वो उनका बर्थडे होता है और गुरुद्वारा जाके फिर वहाँ उनके दर्शन लेके देन लंगर में खाना खाते हैं, है ना? आप लोग गए हो क्या कभी गुरुद्वारा? गए हो आप लोग? अगर नहीं गए हो तो एक बार जाके देखना है. मस्त मंदिर होता है, अच्छे से एकदम बढ़िया, और शांति होती है वहाँ, एकदम शांतता होती है ना? सो लाइक दिस, ये हमने नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा देखा? फिर गुरुपुरब देखा. कौन सा देखा? गुरुपुरब. देन आलिया सेट, अभी आलिया क्या बोल रही है देखो. आई लव ईद, मुझे ईद पसंद है. आलिया क्या बोल रही है? आई लव ईद. ओके, इट कम्स आफ्टर रमजान. ये जो ईद है ना भाई, ये कब आती है? ये रमजान के बाद आती है. ईद कब आती है? रमजान के बाद आती है. ओके, रमजान इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग. ये रमजान क्या है फिर? ये फास्टिंग का मंथ है. कौन सा मंथ है? ये फास्टिंग का मंथ है. ऑन द डे ऑफ ईद वी गिव क्लोथ्स एंड फूड टू द पुअर. अभी ईद पे हम लोग जो है वो गरीबों को कपड़े देते हैं और खाने के लिए अन्न देते हैं. अन्नदान करते हैं ना हम लोग, हाँ. सो गरीबों को हम लोग देते हैं. देन नेक्स्ट क्या बोला है? वी हैव अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड सेवैया. ओके, देन वी वियर न्यू क्लोथ्स. हम लोग न्यू क्लोथ्स भी पहनते हैं. शीरकुरमा बोलते हैं देखो उसको. शीरकुरमा जो स्पेशल स्वीट होती है ना ईद के दिन, तो उसे शीरकुरमा बोलते हैं ना. सो लाइक दिस, ईद पे भी हम लोग अच्छे अच्छे मस्त फन करते हैं, मस्ती करते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं, हम खुद भी नए कपड़े पहनते हैं. ओके, गरीबों को अन्नदान भी हम लोग करते हैं. सो आलिया जो है उसे ईद पसंद है. यहाँ तक हमारा ऑलरेडी हो गया था. अभी नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, तो देखो वीर अभी क्या बोला है. नेक्स्ट फेस्टिवल पेज नंबर 44. पेज नंबर 44. सो सी, ये और ये, है ना? सो नाउ सी क्या बोला है. वीर सेड द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट इज दिवाली. ये जो वीर है ना भाई, इसे कौन सा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है? द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट इज दिवाली. मुझे ना दिवाली बहुत पसंद है. सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा फेस्टिवल है दिवाली. क्या बोल रहा है वीर? कि भाई मुझे दिवाली बहुत पसंद है. आप लोगों को भी अच्छी लगती है दिवाली? दिवाली में तो हमारे बहुत मज़े होते हैं भाई. स्कूल को भी छुट्टी होती है, दिवाली के वैकेशंस होते हैं, एंड देन मम्मी बहुत अच्छा अच्छा बनाती है फिराल का, है ना? मस्ती करते हैं हम लोग, पटाखे उड़ाते हैं, फायर क्रैकर्स, है ना? मस्त मज़ा आता है दिवाली पे. सो सी, दिवाली क्या है फिर? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली क्या है? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. लाइट का फेस्टिवल है दिवाली. वी डेकोरेट अवर हाउस विथ कैंडल्स एंड लाइट्स. वी डेकोरेट अवर हाउस विथ कैंडल्स एंड लाइट्स. ओके, वी हैव स्वीट्स. हमें स्वीट्स भी मिलते हैं. देन वी वियर न्यू क्लोथ्स. दिवाली के दिन हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं ना. नए कपड़े पहनते हो आप लोग? यस. सो सी माई डियर स्टूडेंट्स, दिवाली पे जो है हम लोग कौन से भगवान की पूजा करते हैं बेटा? हाँ, कौन से गॉड की पूजा करते हैं हम लोग? कौन से गॉडेस की पूजा करते हैं हम लोग? दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. कौन से भगवान की पूजा करते हैं हम लोग? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली पे.
अंडरस्टैंड. सो ये जो दिवाली है ना, इसमें हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, पूरे घर को साफ करते हैं, घर की सारी जो चीज़ें हैं उसे साफ करते हैं हम लोग. एंड देन जो है फिर दिवाली के दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में हम आकाश कंदील लगाते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, दिया लगाते हैं बहुत सारे. देन पूजा होने के बाद जो है वो प्रसाद होता है इसका, लाई और पतासे का, है ना. एंड देन पटाखे हम लोग उड़ाते हैं, है ना, पटाखे उड़ाते हैं ना हम लोग. ये सो दिवाली में बहुत मज़ा होता है. मम्मी आप लोगों की फराटा करती है, चूड़ा, शेव, शंकरपाड़े, चकली, है ना, पापड़ी, बहुत सारी फराल की चीज़ें होती है, अनारसा, है ना, तुमची मम्मी पण करते ना. येस, आता या दिवाळीला मी तुमच्याकडे येणार आहे सर्वांकडे फराळाचं करायला. यायचं का मी? ओके, नाव सी. सो दिवाळी बहुत मस्त फेस्टिवल है. ओके, देन रवि सर, अभी रवि क्या बोल रहे हैं फिर? आई लव होली. रवि क्या बोल रहा है कि भाई मुझे होली पसंद है. आई लव होली. इट इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ये होली क्या है फिर? कलर्स का फेस्टिवल है. होली क्या है? कलर्स का फेस्टिवल है. ओके, फिर आप सभी को भी पसंद है होली? हाँ, आप लोग भी कलर उड़ाते हो क्या होली में? एक दूसरे को कलर लगाते हैं हम लोग. कोई सूखा कलर लगाता है, कोई गीला कलर लगाता है ना, और पिचकारी होती है. देन पहले दिन होली का दहन होता है, होलिका का दहन, है ना. फिर उसके बाद दूसरे दिन रंग पंचमी. सो उस वक्त हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, कलर्स लगा रहे हैं, है ना, और मस्त. तभी भी स्पेशल स्वीट होती है, पूरन पोली होती है ना हमारे घर. यस, सो ये भी एक स्पेशल डिश है. और होली में तो हम लोग जनरली बहुत मज़ा करते हैं ना. आप लोगों को अच्छा लगता है पानी खेलना? वैसे भी होली नहीं मिली तो आप लोगों को पानी खेलना अच्छा लगता है ना. सो होली में तो फिर कोई बात ही नहीं रही भी, है ना, कलर खेलना ही पड़ते हैं. सो लाइक दिस, रवि जो है उसे क्या पसंद है फिर? रवि को होली पसंद है. आई लव होली. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ये जो होली है ये कलर्स का फेस्टिवल है. कौन सा फेस्टिवल है? कलर्स का फेस्टिवल. दिवाली कौन सा है? लाइट्स का फेस्टिवल है. दिवाली में जगह जगह हर घर में लाइट्स लगे हुए होते हैं, हर घर में आकाश कंदील होते हैं, हर घर में लाइटिंग्स होती है, दियाज होते हैं, है ना. सो ये जो दिवाली है ये लाइट्स का फेस्टिवल है, और ये जो होली है ये कलर्स का फेस्टिवल है. होली किसका फेस्टिवल है? कलर्स का फेस्टिवल है, और दिवाली जो है वो लाइट्स का फेस्टिवल है. अंडरस्टैंड? देन वी प्ले विथ कलर्ड वाटर. हम लोग कलर्ड वाटर से खेलते हैं फिर. हाँ, कलर्ड वाटर से हम लोग खेलते हैं. होली इज सच फन. होली में बहुत मस्ती आती है. ओके, देन वी लव ऑल फेस्टिवल्स. तो देखो अभी आप लोग सारे फेस्टिवल्स को पसंद करते हो ना. हाँ, लाइक दिस, दिवाली भी आपको पसंद है, होली भी आपको पसंद है, देन और कौन सा है, पोला होता है वो भी आप लोग को पसंद है. ओके, देन कौन सा फेस्टिवल है? दशहरा आता है, अभी जस्ट आएगा दशहरा, है ना. सो दशहरा भी आप लोगों को पसंद है. दशहरे के दिन भी नए नए कपड़े मिलते हैं आप लोगों को पहनने के लिए. देन आप लोग मस्ती भी करते हो. हम एक दूसरे के घर जाते हैं दशहरे के दिन पैर पड़ने के लिए. आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती है, जहाँ गए वहाँ आपको चॉकलेट मिलती है ना. सो दशहरा भी पसंद है. सो इस तरह से ऑल फेस्टिवल्स जो है ना, उसमें मस्त मस्ती और मज़ा ही होता है ना. सो ऑल फेस्टिवल्स को हम लव करते हैं. वी लव ऑल फेस्टिवल्स, एंड ऑल फेस्टिवल्स आर हैविंग सच फन. बहुत मज़ा मस्ती होती है सारे फेस्टिवल्स में. ओके, सो यहाँ जो है ये हमारा लेसन ख़त्म होता है. लेसन नंबर 7, फेस्टिवल्स आर फन. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? सो नाउ सी, इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चंस. मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, फटाफट मुझे आंसर्स देना है आप लोगों ने, है ना. बहुत ईजी है, और 2 times तो अभी हमारा हो ही गया है, फिर और एक बार हम लोग उसे रिपीट करने वाले हैं, है ना. सो सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज, और ओनली 1 word में आपको आंसर देना है. सो डोंट वरी. Understand? So when is Christmas celebrated? अभी just हम लोगों ने read किया. When is Christmas celebrated, my dear students? Tell me. When is Christmas celebrated? So 25th of December. कब celebrate करते हैं हम लोग Christmas? 25th of December. Okay? Only इतना answer आपको वहाँ लिखना है. First question का answer क्या है फिर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सबसे पहले? व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड?
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, देन उसका आंसर क्या है फिर, 25th of December, अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नवरोज, नवरोज क्या है, अभी व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड तो आप लोगों को वहाँ डेट लिखना है, एंड व्हाट इज नवरोज तो वहाँ आप लोगों को डेट लिखना है क्या नहीं, फिर नवरोज क्या है, नवरोज इज द पारसी न्यू ईयर, नवरोज क्या है फिर, नवरोज इज द पारसी न्यू ईयर, नवरोज पारसी न्यू ईयर, ओके। देन व्हेन इज गुरुपुरब सेलिब्रेटेड, अभी ये गुरुपुरब कब सेलिब्रेट होता है भाई, गुरु नानक जी के बर्थडे के दिन, तो गुरु नानक्स बर्थडे, ऑन गुरु नानक्स बर्थडे, गुरुपुरब के हम लोगों को डेट दी गई है क्या नहीं, डेट दी गई है क्या नहीं, सो गुरु नानक्स बर्थडे, ऑन गुरु नानक्स बर्थडे कब सेलिब्रेट होता है, गुरुपुरब गुरु नानक जी के बर्थडे के दिन, ओके। द लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फेस्टिवल डू वी प्ले विद कलर्ड वाटर, कौन से फेस्टिवल पे हम लोग कलर्ड वाटर से खेलते हैं फिर, ऑन होली, होली पे खेलते हैं ना कलर्ड वाटर से, सो ओके, यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, अभी हमारा टाइम भी ओवर हो गया है, सो नाउ सी योर टुडेज होमवर्क इज, आपका होमवर्क क्या है फिर आज का, योर टुडेज होमवर्क इज आंसर दिस क्वेश्चंस, ये जो फोर क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, ये फोर क्वेश्चंस के फोर आंसर्स जो है वो आप लोगों को राइट करना है आपके नोटबुक में, अंडरस्टैंड। सो ये जो क्वेश्चंस है इन्हें अच्छे से लिखो नोटबुक में, और इसके आंसर्स भी अच्छे से लिखना है, एंड देन आप लोगों का और एक जो होमवर्क है वो है आपका रीडिंग, सो लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है, जो वर्ड्स आप लोगों को नहीं समझे हैं वो वर्ड्स या जो पार्ट आपको नहीं समझा है वो मुझे फिर से पूछना है, अंडरस्टैंड ना। सो यहाँ तक हम लोगों ने भी कंप्लीट किया, जो एक्सरसाइज बी है वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय।